का दिन था। इमाम हसन व हुसैन अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, नाना जान सबके पास सवारी है, हमारे पास सवारी नहीं, हमको भी सवारी पर बैठना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपने एक कंधे पर बिठाया और इमाम हुसैन को अपने दूसरे कंधे पर बिठाया और कहा, हसन बेटा मेरे सर के आधे बाल मुबारक तुम पकड़ लो और आधे बाल हुसैन तुम पकड़ लो, मैं तुम दोनों की सवारी हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने शहजादों को कंधों पर बिठाकर घर से बाहर आ गए। जब बाहर ये मंजर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो कहा, ए हसन ओ हुसैन, तुम्हारी सवारी कितनी खूबसूरत है। उसके जवाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर सवार भी तो देख, सवार कितने खूबसूरत है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह।